हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार भारत के सीरियल सौभाग्यवती भवन सीजन 2 के बारे में। रिसेंटली शो के में बहुत बड़ा चेंज आया था और वो चेंज ये था कि सीरियल का मेन कैरेक्टर यानी कि राघव जिंदल, उसके कैरेक्टर को मार दिया गया था, उसको सीरियल से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया और धीरज धूपर की शो से हो गई एग्जिट। अब मेकर्स ये सोच रहे थे इस कैरेक्टर के डेथ करवाने के बाद और इसकी एग्जिट करवाने के बाद सीरियल की कहानी में जो भी वो ट्विस्ट ला रहे हैं उनसे बहुत फ़ायदा हो जाएगा इनको, या फिर थोड़ी बहुत टीआरपी में इंक्रीज आएगा या फिर फैंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन ये सीरियल का बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है इस चीज़ के बाद, जब से धीरज धूपर के कैरेक्टर को फिनिश करा गया है सीरियल में। बचा खुचा जो कभी कभी मज़ा आ जाता था वो भी कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया है सीरियल से। और इवन अगर उसके कैरेक्टर को मार भी दिया, उसके बाद विराज डोबरियाल का कैरेक्टर इनके पास बचा है और उसको सामने लीड में लाकर बहुत अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि सीरियल के साथ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने विराज डोबरियाल के कैरेक्टर को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया है। अगर आप सीज़न 1 को देखते आए हैं आप जानते होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ही बोरिंग कैरेक्टर बना दिया है विराज के कैरेक्टर को और अब वो 100% स्क्रीन टाइम भी अगर ले रहा है उसमें भी कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा इस सीरियल को देखकर। यानी कि मेकर्स ने इस शो का बिल्कुल एसेंस ख़राब कर दिया है। सीज़न 1 से तो कंपेयर वैसे हम कर भी नहीं सकते, लेकिन ये सीज़न 2 जब शुरुआत हुई थी एटलीस्ट इसमें भी थोड़ा बहुत मज़ा तो आ ही रहा था। भले ही सीज़न 1 के लेवल का नहीं था लेकिन सीज़न 2 एटलीस्ट देखने वाला शो तो था, थोड़ा बहुत फन था देखने में। लेकिन अब बिल्कुल भी वो बात नहीं रही है। सील की कहानी कुछ और ही बन गई है, इन्वेस्टिगेशन ड्रामा बन गया है और वो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चल रही है। राघव के करेक्टर को जब से फिनिश करा है उसके बाद से सिया के करेक्टर की जो कहानी चल रही है उसमें कुछ मज़ा तो आ नहीं रहा है और विराज जो उस कहानी में घुसा हुआ है उसका भी कुछ सेंस बन नहीं रहा है। विराज एकदम से इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है कि बिल्कुल ही उसके करेक्टर को जो चीज़ लोग पसंद करते थे उसके करेक्टर के बारे में वही चीज़ ख़त्म कर दी है। उसकी साइकोपंती जो भी होती थी वो ख़त्म कर दी है, उसका गुस्सा वगैरह सब कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। बहुत ही नॉर्मल सा करेक्टर उसको बना दिया गया है, कम्प्लीटली वन डायमेंशनल करेक्टर इन्होंने उसको बना दिया है। कम्प्लीटली उसके करेक्टर के एसेंस वगैरह सब बिगाड़ कर कुछ भी एस्थेटिक नहीं रहा उसके करेक्टर का, जो पहले सीज़न में होता था वो वाला स्वैग, वो वाला एटीट्यूड कुछ भी नहीं रहा है। और अब सीरियल में कुछ सेंस भी नहीं बन रही है, कुछ भी कहानी बनाते जा रहे हैं। रोहित रॉय की जो एंट्री हुई है सीरियल में वो बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कहानी ही इतनी घिसी पिटी हो गई है अब और कुछ भी खिचड़ी बनती जा रही है इस सीरियल की। विराज खुद जो सीज़न 1 का इतना ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर था अब वो सीज़न 2 में एकदम से अच्छाई की इतनी बड़ी मूर्त बन गया है और कभी भी उसका वो साइकोनेस हमें देखने को मिलती नहीं है। और एकदम से इसका दिमाग कैसे ठीक हो गया करेक्टर का बिल्कुल ही कुछ सेंस नहीं बन रही। और मेकर्स कुछ भी बना रहे हैं, आई थिंक उनकी टीआरपी देखकर मोटिवेशन ही ख़त्म हो गई सीरियल को आगे लेकर जाने की अच्छे तरीके से। बिकॉज स्टार्टिंग में जब विराज के सीन्स थे एटलीस्ट वो थोड़े फन थे, बट अब तो विराज का कैरेक्टर इन्होंने बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और देखने में ज़रा भी मज़ा नहीं बचा है इस सीरियल को। इवन राघव के डेथ करवाने के बाद भी सीरियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूट्स थे जो कि मेकर्स ले सकते थे अगर वो चाहते, लेकिन वो बिल्कुल मोस्ट बोरिंग वाले ट्रैक के साथ आगे बढ़े हैं। और विराज और सिया का जो भी टीम अप है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, बिकॉज विराज के कैरेक्टर में कुछ यूनिकनेस बची नहीं है, बस दोनों एकदम बोर करते ही जा रहे हैं। एटलीस्ट राघव का कैरेक्टर जब जिंदा था तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स तो सीरियल में हमें कभी कभी देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। वही जैसे हमारे इंडिया में घिसे पिटे सीरियल्स होते हैं ये भी वैसा ही बन गया है अनफॉर्चुनेटली। स्टार्टिंग में थोड़ा तेज तेज चलता था और बेटर स्टोरी थी, लेकिन अब कुछ भी खास नहीं रहा है। तो इसी करके सीज़न 1 जैसा कि उस टाइम का बहुत अच्छा शो था, उस टाइप के शोज आज के ज़माने में नहीं बन सकते। बिकॉज कुछ टाइम के बाद मेकर्स जो हैं वो खुद ही अपनी कहानी से भटक जाते हैं, कुछ और ही बनाने लग जाते हैं और कहानी कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं और इवन कैरेक्टर के एसेंस को समझते नहीं हैं, जिस करके लोगों ने कैरेक्टर को पसंद किया उस चीज़ को ही बदल के उसको एक बोरिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप इस सीरियल को देख रहे हैं या फिर नहीं। और रिसेंटली शो की टीआरपी भी बिल्कुल ही डाउन चली गई है, 0.09 तक आ गई है। लेकिन स्टिल इस शो के सारे अपकमिंग अपडेट्स एंड न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, बिकॉज जो भी अपकमिंग ट्विस्ट होंगे उसके बारे में बता दूंगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी न्यूज़ मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।